हाँ भाई, क्या हाल है भैया? हमारे मुल्क में कौन सी चीज सुपर हिट है, इस बात का तायुन इस बात से लगाया जाता है कि उस चीज के पापड़ मिलते हैं कि नहीं। जैसे आपको याद है, जरबे अजब स्नैक्स बहुत मशहूर थे राहिल शरीफ साहब के जमाने में, इसी तरह आजकल पाकिस्तान में बिक रहा है अर्तुगरल पापड़, क्योंकि अर्तुगरल पूरे मुल्क में कोरोना से ज्यादा फैला हुआ है और खान साहब की रिक्वेस्ट पे पूरे मुल्क में दिखाया जा रहा है ताकि लोग इससे इस्लामी इकदार सीखे, क्योंकि हमारे मीडिया पे तो बेहयाई चलती है ना, तो उनसे सीखें। ओ, उनसे हमने सीखना था, उल्टा हम उनको इस्लाम सिखाने चले गए। मैं आपको भी बताता हूँ वो किस तरह। देखिए भाई, हमारी आवाम रहती है ख्याली दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में, तिलिस्म होश रुबा में रहती है कि जो चीज़ हम ड्रामे में देखते हैं शायद ज़िंदगी में भी वो ऐसी चलते हैं। वो समझ रहे हैं अर्तुगरुल गाजी जो है ना इस्तंबुल की गलियों में घोड़े पे घूम रहे तलवार लगा के, और इंशाल्लाह किसी दिन पेशावर पहुंच जाएगा और BRT का मुआयना करेगा कि सही से बन रही है कि नहीं। ओ भाई, वो ड्रामा है, रियल लाइफ में लोग रियल नॉर्मल लेके घूमते हैं, लेकिन हमारे हमारी कौम के ना कंप्यूट नहीं करता ये दिमाग में। अब उसमें जो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हलीमा का किरदार अदा किया है, इसरा बिलजिक, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक नॉर्मल सी तस्वीर लगाई, ठीक है, इससे ज्यादा गंदी तस्वीर हमने अपने मीडिया में देखी। खैर, उन्होंने ये तस्वीर लगाई है, पाकिस्तानी पहुंच गए इस्लाम सिखाने उसको, ओ उसके इंस्टाग्राम पे हमला कर दिया, तुर्कानू पै गए पाकिस्तानी। ये भाई क्या कह रहे हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड पोज गर्ल, वेर इज हलीमा सुल्तान, कहाँ है हलीमा सुल्तान, I saw yesterday night when Tangut caught her and say she warmed the Nuyan couch and I miss my heartbeat till brother of Ertugrul save Halima Sultan. अबे हलीमा को उसी के ड्रामे की स्टोरी सुना रहे कमेंट में, वाह। I pray 2 rakat salat and seek repentance for myself as well as for you. अबे हलीमा के लिए रकातें पढ़ ले, अपनी माँ के लिए पढ़ लो, कल मदर्स डे था, उसको भी कुछ दे दो। अजीब है भाई। I say to Allah, please, she is actress, but she adopted the character of one of the most modest and noble ladies. Allah, please save that girl, whatever her name is. I call her Halima Sultan. Wow, 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 wow. वो सर पकड़ के बैठ गए होंगे अर्तुगरुल की कास्ट के, यार ये हमारे कमेंटों में ये कौन लोग पहुंच गए। अच्छा, एक बाजी क्या करिए, I thought your religion was Islam. एक और भाई क्या कहते हैं, you're free what to wear, but we are audience. We would love you in a good way. I hope may Allah change your inner soul. मतलब inner soul नहीं हो गई, inner शमीज हो गई, change कर लो ना. And we'll adopt what the character you played in Ertugrul, I mean Halima Sultan. We admired you because you played an excellent role befitting the Turkish Muslim women. Oh, Khan साहब, इन्हें नू वीजा लुआओ, जाके common Turkish woman देखो जरा, इनकी आंखें खुलें, ये ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। We don't see her more pics like that. I hope we don't see her more pics like that. धमकी लगा रहा है कि आइंदा ना देखू, आइंदा ना देखू। एक भाई, अस्तग़फिरुल्लाह हलीमा बाजी, वे बाजी बना दिया हलीमा को। एक और भाई कह रहे हैं, How much I hate you after seeing this picture of you, हलीमा सुल्तान। अबे हेट ही कर दिया। एक भाई, ये कमेंट बड़ा जबरदस्त है, शॉर्टली क्लोथ्स आर नॉट सूट फॉर यू बिकॉज यू आर अ गुड एक्टर ऑफ इस्लामिक रियल हिस्ट्री, शॉर्टली क्लोथ्स। अगला कमेंट, व्हेन यू आर इन फुल ड्रेस मोर अट्रैक्टेड बट इन शॉर्ट क्राइंग इमोजी, मिलियन मुस्लिम फॉलोइंग यू। आप भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की तरह ठीक ठाक बेगैरत हो। ये पहुंच गए उनके कमेंटों में, जिस तरह हमारी एक्ट्रेसेस कोई चाय का मग लेके बैठी है, कोई फूलों के साथ बैठी है, कुछ भी कर रही, नीचे बेगैरत लग रही हो, लांती लग रही हो, जहर लग रही हो। अबे नजमा, तू बड़ी अच्छी लग रही, तू बना ले इंस्टाग्राम। जेलिस लोग, उन्होंने हमारी एक्ट्रेसेस ने अपने कमेंट ही बंद कर दिए और ये तुर्कों के कमेंट बंद करा के छोड़ेंगे। अबे इंस्टाग्राम पे तबलीग कर रही है वहां। अच्छा, ये बाजी क्या करिए, यू वॉज लुकिंग प्रिंसेस इन ड्रामा इन फुल ड्रेस, यू मेड इस्लामिक ड्रामा विच इंक्रीज ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम्स पैशन स्पिरिट। आई डोंट नो व्हाई यू ड्रेसिंग इन रियलिटी नॉट गुड। तुर्की जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मंजन, सम पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड टर्की एक्ट्रेस, व्हाई फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर अवर रिलीजियस एनिमी। अच्छा, ये पहुंचे भी तो हलीमा के पास पहुंचे। अबे अपने सुल्तान अर्तुगरुल को भी जरा गूगल कर लो, वो पार्टियां कर रहा है भाई यहां बैठा, ये फुल भाई, ये चेक करो, नॉक नॉक तेरा बाप आया, ये चेक करो भाई, खलीफा साहब कहां बैठे हुए। ओ भाई, ख्वाबों की दुनिया से निकलो, खान साहब किधर लगा दिया इस आवाम को, ओ इनका बुलबुले वाला लेवल है, इनको उसमें रहने दो, आप भी इनको कहां लेके जा रहे हो यार, अभी इनको फिक्शन और रियलिटी में डिफरेंस ही नहीं समझ आता। ए बुलबुले वाली आवाम है, इनको ये पसंद है। इफ्तिखार, ओ मोमो इफ्तिखार नहीं, महमूद, हाँ वही अजमल।
आज एक और अपडेट, ये गाजी साहब का इंस्टाग्राम से ही अपनी गोद में कुत्ता लेके बैठे और नीचे कमेंट, आई एम सैड टू से दिस इज नॉट द अर्थगुरु आई सॉ इन द शो, हाउ कैन यू हैव अ डॉग इनडोर्स व्हेन यू नो इस्लाम क्लियरली प्रोहिबिट्स इट, प्लीज डू नॉट डू सच थिंग्स एज यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम ऑल्सो, मच लव फ्रॉम पाकिस्तान। अबे रह दे के एक तुर्की में हमारी इज्जत रह गई है, जहां बताओ पाकिस्तान से हो तो खुश होते, गले मिलते, ये हमारे वहां के भी वीजे बंद कराएंगे। खान साहब इनका नेट बंद कराओ, ये बेगैरती फैला रहे घर पे बैठ के, ओ बंद करो।